मसाला पक जाने के बाद इस तरह से पनीर आलू को डाल देना है। आप सब्जी भी डाल सकते हैं। इस बार 80% कुक्ड जो मतलब 80% कुक्ड चावल है उसके बाद लेयर करना है। तो इसमें से खड़े मसाले आप रख सकते हैं ताकि बाद में खाने के वक्त ना लगे दांतों के बीच में। अभी मसाला इस तरह से मसाला वाला ग्रेवी डालना है, उसके बाद सब्जियां और पनीर डालना है और उसके बाद ये लेयर डाल देना है। इसके बाद आप दूध और सैफरन का मिक्सचर डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी, बट हम जितना फैट कम डाल सकते उतना कम डालेंगे तो ये लेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक ढक्कन डाल देना है और थोड़ा सा लिक्विड डाल देना है ताकि और मॉइस्चर रहे और ये ज़्यादा ये ना लगे। तो अभी गैस को इस तरह से जला देना है और थोड़ा सा बिरयानी की स्मेल आने के लिए बिरयानी का मसाला भी डाल देना है। तब जब आप ये बंद करके पकाए बिरयानी ठीक से पक सके और बाकी का पनीर और जो भी है वो डाल देना है इस तरह से। फिर ढक्कन लगा दे और डबल बॉयलर या फिर डबल इसमें पकाना स्टार्ट कर दें। हम इसमें कुणाल कपूर का रेसिपी फॉलो कर रहे हैं जो यूट्यूब में हमने देखा है। फिर आपको गैस चला देना है, मीडियम आंच पे इसको रख देना है। तो इसको लेना है और इस तरह से रख देना है।